देश के अन्नदाता को हक दिलाने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन सच यह है कि यह दावा और वादा सिर्फ सरकारी आंकड़ों तक ही सीमित है। आप जो अन्न खाते हैं उसे दिन रात मेहनत करके यही अन्नदाता उगाते हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे जालिम भी हैं जो इस अन्नदाता को भी अपना शिकार बनाते हैं। हो सकता है कि उनका जमीर मर गया हो, उनके आंखों का पानी सूख गया हो, लेकिन न तो हमारा जमीर मरा है और न ही हमारे आंख का पानी सूखा है। इसलिए हमने यह तय किया है कि आखिरी सांस तक अन्नदाता के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मत सोचिएगा कि इस लूट के शिकार सिर्फ देश के अन्नदाता हैं। इनके दिल में लूट का जो दर्द छिपा है उसमें आपका दर्द भी शामिल है, क्योंकि आपके शरीर का कतरा कतरा इनका कर्जदार है। मतलब मैं तो देखता हूँ, एक गरीब का अन्न और एक किसान का अन्न, सब सालों की निगाह इसी में, कोनो पार्ट होगा सबकी उसी में निगाह गिद्ध की तरह से कि हम खुर्दिया लें, हम खुर्दिया लें, इसमें थोड़ा और चौपट है। आज हम ऑपरेशन अन्नदाता के जरिए किसानों को रुलाकर अपना जेब भरने वाले लुटेरों को बेनकाब करने जा रहे हैं। आज हम अपने इस खुलासे में बताएंगे कि कैसे देश को महंगाई से बचाने वाले किसान के हित के लिए बनी यह योजना महज कुछ अफसरों और माफियाओं के लूट की योजना बनकर रह गई है। दरअसल जनता के पैसे से किसान हित में चल रही इस योजना का लाभ किसान को कितना मिल पा रहा है, इसका सच जानने के लिए खबर अब तक की टीम बस्ती जिले के अगई भगार गांव पहुंची थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस गांव के 1056 किसानों ने सरकार को धान बेचने के लिए बतौर किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसमें से करीब 700 किसानों ने 73,000 कुंतल धान सरकार को बेच भी दिया। खबर अब तक की टीम ने जब इस गांव में इन किसानों की तलाश शुरू की तो जो सच सामने आया वह बेहद हैरान करने वाला था। ये कुछ लोग हैं आपके गांव में सरकारी सेंटर धान बेचे हैं, उन्हीं को हम लोग खोज रहे हैं। अभिषेक चौधरी कोई आपके गांव में है? हमारे गांव में कहिए ना, कोई चौधरी नहीं है, चौधरी कोई है ये नहीं है। हमारे गांव में न मुसलमान है, न चौधरी है, न यादव है। अच्छा, पूरे गांव में त्रिपाठी लोग हैं? त्रिपाठी लोग हैं, लेकिन क्या नाम है? आदर्श त्रिपाठी नहीं है, त्रिपाठी में गई नहीं, अगई भगाल में भी कोई त्रिपाठी नहीं है। अच्छा। मिश्रा है, मिश्रा है। अब मुसलमान? मुसलमान नहीं है, आपको नहीं है, मुसलमान नहीं है। यानी कि मुस्लिम यादव चौधरी ये लोग नहीं है? नहीं, मुस्लिम यादव वर्मा जी, अमित कुमार वर्मा कोई है? कोई क्या वर्मा नहीं है, कोई वर्मा नहीं है। चौहान? कोई चौहान भी नहीं है। आपके गांव में अभिषेक कुमार चौधरी के होगा? अभिषेक चौधरी नहीं, अगई भगाड़ में। अगई भगाड़ में क्या अभिषेक चौधरी कोई नहीं? आपके कौन गाँव है? इनका पिपरा गौतम, पिपरा गौतम, पिपरा गौतम में के होगा अभिषेक चौधरी? अभिषेक चौधरी के उबटले नहीं बा, चौधरी है गई भगाड़ में तो है ही नहीं। कुर्मी अब्दुल गफ्फार अगई भगाड़ रिया है? अगई भगाड़ में चौधरी नहीं है, न मुसलमान है। हमारी टीम इस गांव के हर गली मोहल्ले में इन किसानों की तलाश करती रही, लेकिन इसमें से ज्यादातर किसान इस गांव में नहीं मिले। इस गांव में महज 12 से 15 किसान ऐसे मिले जो सरकारी क्रय केंद्र पर अपना धान बेचते हैं। इस मामले में जब हमारी टीम ने गहन पड़ताल शुरू की तो पता चला कि अगई भगाड़ गांव में कुल 233 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इस गांव में एक हेक्टेयर में 45 से 48 कुंतल तक धान पैदा किया जा सकता है, यानी कि 233 हेक्टेयर जमीन पर कुल 11,184 कुंतल धान पैदा किया जा सकता है, जबकि इस गांव के नाम पर 73,000 कुंतल धान सरकारी क्रय केंद्र पर बेच दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव के किसानों ने
जिस जमीन पर धान पैदा करने का दावा किया है उसमें से ज्यादातर जमीनें या तो हवा में हैं, या फिर सड़क, तालाब, मंदिर, स्कूल, मकान, कब्रिस्तान के प्रयोग वाली जमीन है। असली किसान अपना धान बेचने के लिए क्रय केंद्रों का चक्कर लगा रहे थे, वहीं जालसाज फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी खजाने को चूना लगा रहे थे। इसलिए हमारी टीम ने यह तय किया कि तत्काल इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी जाए, जिससे यह फर्जीवाड़ा रुकेगा और कुछ असली किसानों का भला होगा। जिले में धान खरीद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिला खाद्य विपणन अधिकारी का होता है। गोरखनाथ त्रिपाठी बस्ती जिले के जिला खाद्य विपणन अधिकारी हैं। हमारी टीम कई बार इनसे मिलने के लिए इनके कार्यालय गई। फोन के जरिए इन्हें सब कुछ बताया और समझाया गया। अगर यह चाहते तो जानकारी होने के बाद इस तरह के फर्जीवाड़े को रोक सकते थे, लेकिन ये बार बार सत्यापन करने वाले कर्मचारी और अधिकारी को दोषी बताते रहे। बस्ती जिले में खरीद में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश सहकारी संघ ने किया है। इसलिए हमारी टीम ने यह तय किया कि इससे संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को इसकी जानकारी दे दी जाए। हमारे सहयोगी सारे दस्तावेजों के साथ एआर कोऑपरेटिव से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। क्या जैसे आपने आपकी खेती है, जितनी खतौनी में वो सत्यापित होगा कि कितना धान जो है उसको बेचेंगे आप, वो खतौनी की नकल, आधार कार्ड सब कुछ जाता है वो क्या कहते हैं कि सेंटर पे, वो सेंटर वाला उसी पे खरीद करता है और उसी के खाते में पैसा जाता है। सही। अब कहाँ गलत हुआ है वो आप लिख के दीजिए, उसी में जांच कराऊंगा। ठीक है। आप पूरा आप... फर्जी यहाँ नहीं, डीएम की हाँ दे दीजिए आप। आप डीएम की हाँ दे दीजिए। हाँ। कि पूरा पीसीएफ गड़बड़ी किया है और पूरा फर्जी किया है, इसकी जांच करा लीजिए आप। एक डीएम की यहाँ एप्लीकेशन, वो तो हम दे, मान लीजिए डीएम साहब इस समय चुनाव में लगे हैं, चाहे जब कराएंगे आप कमिश्नर की यहाँ दे दीजिए। जी जी। पूरा साक्ष्य से दे दीजिएगा, ये फर्जी हुआ है। अच्छा, ये गड़बड़ है, आप इसकी पूरी जांच कराएंगे। नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि आप भी अपने स्तर से समझ तो लीजिए। हम अपने स्तर से जांच कराते ही हैं। आपके हिसाब से सही है सब? नहीं नहीं, सही नहीं है। हमको संज्ञान में आएगा कहाँ है, आप लिख के देंगे, उसी जांच कराएंगे। हवा हम नहीं कराएंगे। नहीं, हवा में नहीं, ये हवा में नहीं है ये सब। वही लिख के दीजिए ना, आप लिख के दे दीजिए। हाँ, आप कृपया दे दीजिए, मैं जांच करा के अगर दंडित कराऊंगा तो दंडित हुए भी हैं लोग। अच्छा, होंगे भी। हाँ, हमारे सामने कई लोग दंडित हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तैयार भी हुई है। ठीक है, ठीक है। वो किए होंगे तो ये चीजें जब तक इसमें नहीं आएगा। नहीं तो आपके संज्ञान के लिए ही तो हम लोग आए हैं। हम जांच कराने के बाद एविडेंस देखेंगे, ऐसे नहीं हम देख पाएंगे। कैसे जब आप वहाँ तब रेट से जांच करेगा, इससे कुछ नहीं एविडेंस मिलेगा। जब आप खुद कह रहे हैं कि लेखपाल ने सत्यापन किया है, आधार कार्ड जो प्रक्रिया है मैं वो बता रहा हूँ। आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड वो लेके गया होगा जिसने मालिक, आधार कार्ड जो देगा, अपनी खतौनी की नकल देगा, वो लेखपाल से सत्यापित होगा, जो धान आएगा उसी के खाते में पैसा जाएगा। और ये पूरा ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। हाँ, और आप उससे सत्यापित भी कर सकते हैं कि दूसरे के खाते में पैसा नहीं गया है। आप कहाँ से फर्जी कह रहे हैं? ये तो आपने सही कहा। अगर मान लिया लेखपाल ने फर्जी सत्यापन कर दिया तो लेखपाल दंडित होगा। लेखपाल फर्जी ऑनलाइन सब है भैया, ये कहाँ से फर्जी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कभी फर्जी आपके अब तक इतने साल से आप मतलब हैं? इतने साल से नहीं, पिछले साल से जो है ऑनलाइन हुआ है। पिछले साल कोई फर्जी नहीं हुआ था? अब फर्जी हुआ हो तो बताइए कहाँ फर्जी हुआ है। हम इतना खरीद होती है तो हम कहाँ पता लगा पाएंगे फर्जी हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए तो ये लेके आए हैं। अरे भाई, आप लिख के दे दीजिए, इतना लेके आए आप ऐसे मत बताइए। आप ये फर्जी हुआ है, फला फला आदमी का फर्जी हुआ है, आप साक्ष्य देंगे। हाँ,
ठीक है, फला फला आदमी का फर्जी। क्या साक्ष्य आपको चाहिए? साक्ष्य ये है कि इनका ये खाता है, ये आदमी गलत है, इनका खाता नंबर गलत है, इनकी खतौनी गलत है। हाँ, तो उस पे आप उसको पक्का दंडित करेंगे ना? हाँ, जांच करा के अगर दोषी पाया जाएगा दंडित कराएंगे। हम कोई अंतर्यामी नहीं है। हाँ, हम जांच कराएंगे, दोषी पाया जाएगा। नहीं, आपके आपने पहले ही कह दिया लेखपाल दोषी है, सत्यापन उसने किया है, तो फिर अगर दोषी होगा तो जब मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि दोषी अभी साबित कर दूँ किसी अभी कहाँ अहंकार है साबित करने के। आप लिख के दे दीजिए, मैं उसकी जांच करा दूंगा। प्लीज FIR करेंगे, जेल भेजेंगे। हाँ, एकदम छोड़ेंगे नहीं, एकदम। हमारी टीम से बातचीत के दौरान AR कोऑपरेटिव लगातार धान खरीद में फर्जीवाड़ा होने से इनकार करते रहे। उनका तर्क था कि अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसलिए गलत खरीद हो ही नहीं सकता। बस्ती जिले में धान खरीद के इंचार्ज अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हैं, इसलिए हमारी टीम ने यह तय किया कि इस पूरे घपले और घोटाले की जानकारी उनको भी देनी चाहिए। हमारे सहयोगी दस्तावेजों के साथ उनके दफ्तर पहुँचे और इस घपले और घोटाले की पूरी जानकारी उनको भी दी। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने यह आश्वासन दिया कि हर हाल में इस मामले की जांच होगी और गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बस्ती जिले के हालात यह थे कि यहां के किसान अपना धान बेचने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे थे और लगातार सरकार को कोस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी सरकारी खजाने को लूट रहे थे और अधिकारी सिर्फ जांच की बात कर रहे थे। बस्ती जिले में खबर अब तक की पड़ताल अभी चल ही रही थी कि इस दौरान हमारे टीम की मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से हुई जिसने बातचीत के दौरान जो खुलासा किया है वह बेहद गंभीर है। हो सकता है कि इस अधिकारी के दावे पूरी तरह से सही न हों, लेकिन अगर इतना बड़ा अधिकारी खुफिया कैमरे पर यह दावा कर रहा है तो कुछ तो सत्यता जरूर होगी। फिलहाल इस गंभीर मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। यहाँ तो यही स्थिति है कि यहाँ जो है कोई भी DM इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, और क्या नाम है, बाहर सीमेंट बाहर नहीं होता। हाँ, ये किसने कहा आपको? अरे मैं, अरे हम लोग कई आपकी खरीदा नहीं जानते। ढोल बड़े सुहारे होते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। मानने वाले ये आप मत कहिए। नहीं, मान लीजिए DM नहीं, नहीं, नहीं सुनिए। अरे सबके बकायदा रेट है, आप क्या बात बात बता रहे हैं कि नहीं मान रहे? बात घोड़ा का 10 रुपया क्विंटल, 15 लाख 15 रुपया होता है। DM का रेट 10 रुपया होता है, 15 लाख इंटू 10। अब कह रहे हैं 10 रुपये क्विंटल यहाँ है। अगर नियत साफ हो ना तो सब हो ही नहीं सकता। सभी निर्माण रहते व्यवस्था घर से कर पड़ा है। लोग थोड़ा सा ईमान सही कर लें, थोड़ा सा बता दूं, कसम से पब्लिक बेचारी आनंदमय हो जाए। दिक्कत यही है कि एक जीवन में पूरी कुएं पड़ गई भांग, और तीसरी बात गड़बड़ी क्यों है? मतलब मैं तो देखता हूं एक गरीब का अन्न और एक किसान का अन्न, सब सालों की निगाह इसी में, कोनो पार्ट होगा, सबकी उसी में निगाह है, गिद्ध की तरह से कि हम खुर्दिया लें, हम खुर्दिया लें। इसलिए सलाह और चौपट चाहिए, सबको ही हिस्सा चाहिए।